मांजर उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर आज अपना नामांकन करेंगी। रांची उपायुक्त कार्यालय में नामांकन दाखिल किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि मांजर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। मांडर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, आज बीजेपी उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर अपना नामांकन करेंगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मदन जुड़ चुके हैं। जी मदन, मांडर उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर आज अपना नामांकन करेंगी। कितने बजे से नामांकन होगा और बीजेपी के कौन कौन से बड़े नेता इस नामांकन की प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज 12 बजे के करीब जो है बीजेपी उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर नामांकन करेगी और नामांकन का आज आखिरी दिन भी है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से तमाम जो प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे, दीपक प्रकाश मौजूद रहेंगे, रघुवर दास के रहने की संभावना है। तो तमाम जो प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और बीजेपी ने एक बार फिर से मौका दिया है गंगोत्री कुजूर को मांडर क्षेत्र के उम्मीदवार के तौर पर। पहले भी वो प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी भी काफी अपनी ताकत लगा रही है इस चुनाव को लेकर के। हालांकि ये उपचुनाव है तो ऐसे में कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार बनाई गई है बंधु तिर्की की बेटी शिल्पा नेहा तिर्की। तो अब जो है दोनों के बीच ही टक्कर रहने वाला है, मुकाबला जो है शिल्पा नेहा तिर्की और गंगोत्री कुजूर के बीच होने वाला है। तो आज 12 बजे के करीब जो है उपायुक्त कार्यालय रांची में अपना वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। धन्यवाद मदन तमाम जानकारियों के लिए।